और यूपी में प्राइवेट लैब में कोरोना जांच बाधित हुई है। लखनऊ, वाराणसी में कोरोना की जांच बाधित हुई है। प्रयागराज, कानपुर में भी कोरोना की जांच बाधित हुई है और प्राइवेट लैब में जांच बाधित होने से लोगों को परेशानी हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या वजह है कि यहाँ पर प्राइवेट लैब्स में जाँच बाधित हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया था क्या कि कंटिन्यू सारी जांचें रखी जाए, कम से कम 1.5 लाख जांचें पर डे की जाए और सरकारी हो या प्राइवेट, उनके दरें भी तय कर दी थी कि जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर 500 रुपए और जो प्राइवेट लैब्स हैं वहां पर 900 रुपए में जांच की जाए और उस जाँच के निर्देश भी जारी किए गए थे। लेकिन लखनऊ में जो प्राइवेट जाँचें हैं उन्हें पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया है क्योंकि आंकड़े जिस तेजी से बढ़ रहे हैं राजधानी लखनऊ के, परसों के आंकड़े 3800 थे लेकिन कल जिस तरीके से 5000 से ऊपर केसेस पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के हाथ पैर फूल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट्स बना बना करके शासन को भेजी थी, उसकी पोल न खुले, उनके नंबर फिर से न घट जाए जिसकी वो पैरवी लगातार कर रहे थे, इसको लेकर के प्राइवेट लैब्स की जो जांचें हैं वो पूरी तरीके से बाधित कर दी है, अपने दबाव में बना करके उनको बाधित कर दिया गया है कि प्राइवेट लैब, चूंकि सरकारी में हालात ये बने हैं कि सुबह से लोग यहां पर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी जांचें अभी तक शुरू नहीं हुई है, 2 बजे के बाद इनकी जांच शुरू होगी और 3 दिन बाद इनको रिपोर्ट मिलेगी, तो इनके आंकड़े अपने आप में कहीं ना कहीं दबते चले जाएंगे। लेकिन जब प्राइवेट की जांच होगी तो उसमें बहुत जल्द उनकी जांच की रिपोर्ट मिलेगी, चाहे RT-PCR हो या कोविड की जो किट के जरिए की जाती है, वो जांच की रिपोर्ट भी उनको जल्दी मिलेगी। प्राइवेट में इसीलिए लोग जाते हैं तो वो आंकड़े बढ़ेंगे और आंकड़े बढ़ेंगे तो उनकी पोल खुलेगी। जो पिछले 10 दिन से अधिकारी पूरी तरीके से ऐसी कमरे में बैठ के जो रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेज रहे थे और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज करके संतुष्ट कर रहे थे कि ऐसी कोविड महामारी के जो काल दिखाया जा रहा है वास्तविक रूप से नहीं है, तो उसकी पोल खुलेगी, इस वजह से ये रिपोर्ट से बाधित की जा रही है जिससे आम आदमी को खासी परेशानी हो रही है। मनीष, बिल्कुल, चलिए कानपुर से विवेक भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए। विवेक, यहाँ पर कानपुर से भी ये खबर निकल करके सामने आई है कि कानपुर में भी कोरोना की जांच बाधित हुए, इससे जो लोग हैं आम जनता उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए मनीष, सारी दिक्कतों का सामना तो सिर्फ जनता को ही करना पड़ रहा है, जो कि जो है आज आदेश हुए हैं कि 7 जिलों में जो OPD बंद कर दी जाएगी, आदेश आज हुए हैं। लेकिन अगर बात करें कानपुर की तो कानपुर का काशीराम हॉस्पिटल और हाईलाइट हॉस्पिटल लगभग 3 से 4 दिन पहले ही OPD बंद कर चुका था बिना आदेशों के, तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो मुसीबतें हैं वो सिर्फ यहाँ आम जनता को ही झेलनी पड़ रही है। अगर बात करी जाए यहाँ प्रशासन की और पुलिस के अधिकारियों की तो पुलिस के अधिकारी यहाँ दिन भर कोई चेकिंग के नाम पर कुछ नहीं होता है, जब यहाँ पर सोशल डिस्टेंस धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लोग सड़कों पर बिना मास्क के निकलते हैं तो यहां चेकिंग के नाम पे कुछ नहीं होता है, लेकिन रात में 10 बजते ही पुलिस का अमला है वो सड़कों पर आ जाता है। जब पब्लिक नाम की चीज वहां नहीं होती है तब पुलिस सड़क पे होती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और यहां पर हम आपको दिखा सकते हैं कि यहां पर जो ये कोविड डेस्क बनाई गई है जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और यहां पर ये जानते हैं कि इनसे जो ये इमरजेंसी यहां पर ये बनाया गया हेल्प डेस्क, तो इससे किस तरह से भाई ये हेल्प डेस्क बनाया गया है, ये एक बाहर बैठे हुए, क्या वजह है कि ये इसको बनाया गया है? ये सर कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसके लिए इससे संबंधित जो भी मारी जा रहे हैं उनके पर्चे बना के रूम नंबर 200। चलो आपको रोकना चाहूंगा, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने